तो भाई ये तो तुम जानते ही हो कि हाल ही में इंडिया ने इंग्लैंड को जो मैच हराया वो वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया का पहला मैच था जहां इंडिया ने किसी टारगेट को डिफेंड करा था, वरना अभी तक तो हर टारगेट चेज ही कर रहे थे। जहां रोहित शर्मा शुरू में आते थे, बड़े से बड़े टारगेट को खुद दुसाबित कर देते थे और फिर नीचे कोहली भाई हो गए, राहुल भाई हो गए, हंसते हंसते मैच को खत्म कराते थे। लेकिन पहली बार जहां इंडिया को टारगेट डिफेंड करना था वहां इंडिया के बॉलरों ने कहा कि भैया जब पहले बॉलिंग होती है तब हम रन पढ़ने नहीं देते हैं, अब जब टारगेट बचाना है तब तो बिल्कुल रन पढ़ने नहीं देंगे। मतलब कुल मिला के जो मैं पहले कहता था अब भी उस बात पे टिकना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड कप में जो इंडिया का परफॉर्मेंस चल रहा है उसका जितना क्रेडिट असल में बैट्समैनों को दिया जा रहा है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा क्रेडिट जो हमारे बॉलर्स हैं वो डिजर्व करते हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है जो वो ये है कि भाई अगर आप वर्ल्ड कप 2023 में टॉप 6 बॉलर्स को देखेंगे ना जिनकी सबसे कम इकोनॉमी रही है तो उसमें कौन आते हैं, नंबर 1 पे अश्विन 3.40, नंबर 2 पे जडेजा 3.76, नंबर 3 पे बुमराह 3.92, नंबर 4 पे मोहम्मद नाबी 4.06, नंबर 5 पे शामी 4.47 और नंबर 6 पे कुलदीप 4.50। यानी कि टॉप 6 बॉलर्स में जो टॉप 5 बॉलर्स हैं, मतलब जो 5 बॉलर्स हैं टॉप 6 के अंदर वो इंडियन है। तो भाई समझ जाओ इंडियन बॉलर्स का इस वर्ल्ड कप में किस लेवल का डोमिनेशन चल रहा है। पर देखो अगर तुम मुझसे ये पूछोगे कि मैं पर्सनली किस इंडियन बॉलर को इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा पसंद कर रहा हूं, किसकी परफॉर्मेंस को देख के मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, तो मैं नाम लूंगा नन अदर देन जसप्रीत बुमराह का। क्योंकि देखो मोहम्मद शामी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इसको खिला नहीं रहे हैं, लेकिन जब ये खेलेगा तो भाई फोड़ देगा। मोहम्मद सिराज ने भी जिस तरीके परफॉर्मेंस दी है मुझे वैसी उम्मीद थी। जडेजा और कुलदीप को लेके भी मैं इतना श्योर था कि ये ठीक ठाक बॉलिंग तो कराएंगे क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हो रहा है और ये लोग सच में अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन बुमराह ने भाई जिस तरीके से कमबैक करा है ना, असल में इंजरी से पहले वो इतने अच्छे नहीं हो रखे थे। अगर आपको इंजरी से पहले के मैचेस याद हो तो बुमराह पे ये इल्जाम लगने लगे थे कि भाई इस बंदे को शुरुआती ओवर में विकेट नहीं मिलते हैं, बस ये आता है रन कम देता है लेकिन विकेट नहीं ले पाता है, एक ही लाइन पे बॉल डालता है ना ज्यादा हिलती है, जिसके चलते मोहम्मद शामी बुमराह के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होता है शुरुआती ओवर में। हाँ डेथ ओवर्स में बुमराह थोड़े रन कम देते हैं लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी जो बुमराह की है वो बहुत कम हो चुकी है। पर बुमराह इंजरी के बाद जिस तरीके से रिटर्न करें, जैसा मैंने कहा भाई स्विंग भी करा रहे हैं, यॉर्कर तो मारते ही मारते थे और जो स्पीड भी है वो पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। मतलब घातक होने का जो लेवल है ना बुमराह का, जो यहां पे हुआ करता था वो यहां से यहां पहुंच चुका है। और इसी बारे में बात करते हुए बुमराह कल के दिन स्काई स्पोर्ट्स पे एक इंटरव्यू देते हैं जहां उनसे उनके कमबैक के बारे में सवाल किया जाता है, तो बुमराह कहते हैं कि जब मैं इंजर्ड हो रखा था तो मैं देख रहा था कि बहुत लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे थे, बहुत लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और बहुत लोगों ने ऑलरेडी ये कह दिया था कि बुमराह का करियर अब खत्म हो चुका है। मुझे वो सब सुन के बहुत दुख होता था, अंदर ही दर्द होता था और मैं कुछ भी करके बस कमबैक करना चाहता था और फिलहाल मैं जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूं मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूं। और भाई खुश होना भी चाहिए। कल के दिन वसीम अकरम भी एक इंटरव्यू के दौरान ये क्लियरली बोल देते हैं कि बुमराह जो हैं वो नई बॉल से मेरे से भी ज्यादा बेहतरीन बॉलिंग कराते हैं। और देखो हालांकि मैं पाकिस्तान के प्लेयरों का मजाक उड़ाता रहता हूं लेकिन वसीम अकरम मुझे वन ऑफ द उन बॉलर्स में से लगते हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, अब भी करता हूं, क्योंकि मोहम्मद शामी ने एक बार कहा था कि अगर आपको दुनिया में किसी बॉलर से सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा सीख लेनी है तो वसीम अकरम उन बॉलर्स में से हैं जो आपको सबसे लिमिटेड टाइम में सबसे ज्यादा सीख दे सकते हैं। क्योंकि वसीम अकरम को भाई असल में बॉलिंग की कुछ ऐसी चीजें पता थी, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स पता थी जो आसानी से लोग को नहीं पता होती हैं। हालांकि मैंने उस दौर में क्रिकेट बहुत नहीं देखा है जब वसीम अकरम खेला करते थे, लेकिन आज भी जब मैं पुरानी हाइलाइट्स देखता हूं तो भाई वसीम अकरम ना अलग ही लेवल बॉलिंग कराता था, अलग ही लेवल पे। इसीलिए जब वसीम अकरम इतनी बड़ी बात कह देना तो समझ जाओ भाई सच में बुमराह ने एक अलग ही लेवल पे फोड़ रखा है। और देखो भाई अगर तुम्हें सच में जानना है ना कि बुमराह का इस वक्त पे किस लेवल का टशन चल रहा है बॉलिंग में, तो भाई तुम ये सुन लो कि बुमराह पिछले 19 मैच से विकेट लिए जा रहे हैं। पिछले 19 मैचेस में बुमराह का ऐसा एक भी मैच नहीं गया है जहां उनको विकेट ना मिला हो। अब अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर वो कौन सा इंडियन बॉलर है जिसने सबसे ज्यादा मैचेस निकाल दिए थे विकेटलेस हुए, यानी कि कितने मैचेस में लगातार वो विकेट लेते ही लेते
खेलते थे, तो सबसे टॉप पे आते हैं कुंबले जिन्होंने लगातार 23 मैच तक हर मैच में विकेट लिया था। फिर आते हैं श्रीनाथ जिन्होंने यही कारनामा लगातार 22 मैच में किया था। शामी ने 21 मैच में किया, वेंकटेश प्रसाद ने 19 मैचेस में किया, रविचंद्रन अश्विन ने भी 19 मैच में किया था। फिर बुमराह ही आते हैं जिन्होंने साल 2017 से लेकर साल 2018 के बीच में यही कारनामा लगातार 19 मैच में किया था। लेकिन अभी बुमराह का रिकॉर्ड चल रहा है, अगर अगले 5 मैचेस में वो एक विकेट लेते ही लेते हैं तो भाई वो सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले इंडियन बॉलर बन जाएंगे जिन्होंने विकेटलेस हुए सबसे ज्यादा मैचेस निकाल दिए होंगे। यही रीजन है कि हाल ही में इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी एक इंटरव्यू में ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि बुमराह जो है वो वंस इन अ जनरेशन वाले बॉलर हैं, यानी ऐसे बॉलर किसी जनरेशन में एक आदि पैदा होते हैं और वो जो एक पैदा होते हैं ना वही तो बुमराह हैं। मतलब कुल मिला के ये कहने में कोई भी शक नहीं होना चाहिए, जैसे बैटिंग में किंग कोहली हैं तो वैसे ही बॉलिंग के किंग जो है ना वो बुमराह ही हैं भाई। वैसे जहां मैंने अभी अभी कोहली का नाम लिया ना, तो तुम्हें याद होगा कि हाल ही में इंडिया का एक मैच धर्मशाला में खेला गया था, तो भाई उसी धर्मशाला वाले मैच से एक वीडियो कल के दिन बहुत ही तेजी से चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी जहां विराट कोहली का एक लुक अलाइक मैच देखने आया है। और भाई आप इस वीडियो को देखिए, वो बंदा एग्जैक्टली साइड से तो विराट कोहली लग रहा है, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि विराट कोहली नहीं है भाई। लुक कह लो, उसकी बियर्ड कह लो, उसकी आईब्रो कह लो, सब कुछ एग्जैक्टली विराट कोहली जैसी लग रही है। अगर आपको भी लग रहा है भाई ये बंदा एग्जैक्ट विराट कोहली जैसा दिख रहा है ना, तो भाई कमेंट में जरूर बताना। वैसे साथ ही साथ ये भी बता देना कि क्या आपको यकीन है कि बुमराह ही होंगे जो वर्ल्ड कप 2023 के अंत में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनेंगे। अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई और बॉलर बन सकता है तो उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। देखो मुझे तो लगता है अगर शामी पहले मैच से खेल रहे होते हैं ना, तो भाई जिस रेट वो बंदा विकेट लेता है 100% मोहम्मद शामी होते जो सबसे ज्यादा विकेट लेते। अगर अभी भी वो सारे मैचेस खेल गए तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि शामी ये कारनामा कर जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कौन सा बॉलर होगा, जैसा मैंने कहा उसका नाम कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है कि ये जो विराट कोहली की वीडियो मैंने आपको दिखाई, आपको भी लग रहा है कि भाई एग्जैक्टली बंदा विराट कोहली ऐसा दिख रहा है? अगर लग रहा है ना भाई तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिस्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है बिग निराज जेना, जो पूछते हैं कि भाई क्या विराट का वर्ल्ड कप में और सेंचुरी होगा? तो भाई ये भी कोई पूछने की बात है, हम यहाँ ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 5 तारीख को उनकी हम 50वीं सेंचुरी देखेंगे। हालांकि उसके लिए विराट कोहली को अगले 2 मैच में 2 सेंचुरी मारनी होगी, लेकिन विराट भाई के लिए क्या कुछ इम्पॉसिबल है क्या? क्योंकि विराट भाई के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या, ए विराट भाई? तो फिलहाल भाई हौसला रखो, भरोसा रखो, आएंगी सेंचुरी भाई। 50 सेंचुरी तो मुझे लगता है कम से कम सेमीफाइनल होने से पहले तो देखने को मिली जाएंगी। हालांकि अगले 2 मैच में मिल सकती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि रोहित शर्मा कुछ अलग ही लेवल के फॉर्म में चल रहे हैं, वो इतने रन ऑलरेडी मार देते हैं कि अगर गलती से इंडिया की चेज आ जाती है तो कोहली भाई के पास तो रन ही नहीं बचते हैं। अब दोनों ही इतने शानदार फॉर्म में चलेंगे तो क्या कर सकते हैं, कौन कौन सेंचुरी मारेगा, कौन कौन रन मारेगा? तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये मत कहो कि सेंचुरी आएगी ही नहीं। हाँ आपने नहीं कहा है, आपने पूछ रखा है आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये डाउट ही मन में मत लाओ, बिल्कुल आएगी भाई। कम से कम उम्मीद रखो कि जब तक वर्ल्ड कप खत्म होगा ना तो इंडिया वर्ल्ड कप तो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन सेम टाइम पे कोहली भाई के नाम कम से कम 52-53 सेंचुरी तो हो ही जाएंगी, मुझे तो पूरी उम्मीद है। आप लोग को क्या लगता है कि वर्ल्ड कप खत्म होने तक विराट कोहली की सेंचुरी का जो नंबर होगा वो कितना होगा? जो भी नंबर आपके मन में है ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं वर्ल्ड कप खत्म होने पे किसकी प्रेडिक्शन सबसे सही जाती है। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, मन में कोई सवाल है तो इंस्टा पेज का लिंक यहां दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाइए सवाल डीएम करिए, आने वाली वीडियो में आपके नाम को भी शाउट आउट दे फीचर किया जाएगा। बाकी वहां रील्स आती है मस्त मस्त, उसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं, एकदम ओरिजिनल कंटेंट आता है, यूट्यूब पे भी नहीं आता है, तो जल्दी से जाने का, जाके फॉलो कर लेने का, वीडियो पसंद आए लाइक कर देने का, चैनल को सब्सक्राइब कर देने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।